हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बी। और आज का वीडियो होने वाला है ना मिंत्रा हॉल। तो मिंत्रा से मैंने परचेज किए हैं काफ़ी अच्छे से ड्रेसेस जो आपको मिलेंगी अंडर 800 रुपीज़ के अंदर। सारी की सारी ड्रेसेस आपको मिलने वाली हैं मिंत्रा से। मिंत्रा पे एक्चुअली क्या सेल चलती रहती है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं या नहीं। और अगर शॉपिंग करते भी हैं तो कौन सा सीज़न होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। सारी ड्रेसेस मैंने एक्चुअली ट्राई करके देखी थी तो सारी ड्रेसेस मैंने निकाल ली हैं और मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, इससे आराम से देख सकते हैं। ओके, पहली हम ड्रेस के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा कलर है इसका, पिंक और ऑफ वाइट इसे बोल सकते हैं। एक्चुअली ये एक ड्रेस के बेस के लिए मैंने ही इसको चूज किया है। बेसिकली ये कुर्ता सेट है, ये एक शॉर्ट सा यहाँ पे कुर्ता है, यहाँ पे एक इसको स्लिट दे रखी है, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से यहाँ पे बटन लगा रखे हैं, इस तरह से क्यूट से यहाँ पे बटन है। और इसके साथ मिलता है यहाँ पे आपको प्लाजो, तो ये काफी अच्छा मैं बोल सकती हूँ काफी अच्छा कुर्ता सेट है, मतलब थोड़ा सा यूनिक है तो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा। इसका जो प्राइस है वो 800 रुपीज के अंदर है। बेसिकली इसका जो प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता है, तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप देख सकते हो। ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो है विस्कस रेयॉन। तो पहला परचेस। ओके, तो मेरा साइज इसमें है एल और आप मेजर कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। ओके, सेकेंड मेरी जो ये ड्रेस है वो है ये टी शर्ट है, लॉन्ग टी शर्ट, काफी लॉन्ग है और ब्लैक है। ये एक्चुअली जेड ब्लैक नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। इसका जो ब्रांड है वो है रिगो, साइज है एल, मेजर आप कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 467 रुपीज। और इस प्राइस में काफ़ी अच्छा मैं बोल सकती हूँ लुकिंग वाइज, ये एक्चुअली आपको लुकिंग जो देता है ना वो बहुत ही शानदार देता है। इसका जो फिट है वो बहुत ही सुंदर है, ब्लैक कलर होने की वजह से ये एक्चुअली अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है, पता नहीं क्यों। दूसरी चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लगी क्योंकि एक्चुअली इसका जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो बहुत ही बेकार है। यानी एक नॉर्मल टी शर्ट जैसी आती है उससे भी घटिया इसका क्वालिटी है। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया पर्सनली। दूसरा, ये जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी फेडेड है, अगर आपको अगर लग रहा हो इसमें दिख रहा हो तो, ये जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी फेडेड है। ऐसा नहीं है बिल्कुल जेड ब्लैक, मतलब पिक्चर में देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ये ब्लैक पूरा ब्लैक लगता है, पर जब हम इसे कैरी करते हैं तो मतलब हमें पता चलता है कि ऐसा लगता है कि इसको 2-3 बार वॉश कर लिया है, उसके बाद हमें इसे पहनना है, मेन कि ये पुराना हो चुका है। तीसरी जो ड्रेस के बारे में बात करती हूँ, एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, तो ये भी ब्लैक ड्रेस ही है। एक्चुअली ये है एक मैक्सी ड्रेस, और जब मैंने मिंत्रा से बाय की थी ये सारी चीज़ें तो मुझे लगा था ये सबसे अच्छा लगेगा मुझ पे, ये सबसे प्यारी ड्रेस लगने वाली है। और हालांकि ये प्यारी लग भी रही थी, पर मैं पहले बता देती हूँ कि ये है आपका UNF और साइज है इसमें XL। XL होने के बाद भी ये मुझे थोड़ा सा टाइट था। दूसरा, ये जब इसे हम पहनते हैं तो ये लुकिंग पता नहीं क्यों अच्छी सी नहीं दे रहा। ब्लैक कलर होने की वजह से अपने आप चीजें अच्छी लगती हैं, पर वो चीज नहीं निकल के आ रही जो मुझे चाहिए थी। दूसरी चीज़, ये मुझे काफ़ी टाइट रहा, काफ़ी तो नहीं मतलब हाँ, पर मुझे टाइट रहा और एक्सेल है इसके बाद भी ये टाइट है। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा कपड़ा है। इसका जो फिनिशिंग इसमें दे रखी है बिल्कुल बेकार है। ऐसा होता है ना, हम लोकल मार्केट से जो भी चीज़ें खरीदते हैं नॉर्मली वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं 200-300 रुपये में हमें ड्रेस मिल जाती है, कुछ इस तरह का इसका मटेरियल इसमें यूज किया गया है। बिल्कुल ही बेकार इसका मटेरियल है, पॉलिएस्टर ये बताते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो प्राइस है वो 800 रुपी है, और मुझे कहीं से भी ये ड्रेस पसंद नहीं। ओके, तो तीसरी ड्रेस के बाद बात करते हैं। ड्रेस नहीं, एक्चुअली ये जीन्स है, केमिस्ट्री की ये जीन्स है, और इसका जो साइज है, यहाँ बेल्ट मैंने लगा ली थी क्योंकि इसको कैरी किया था, बेल्ट निकाल देते हैं। तो इसका जो साइज है वो है 34, और 34 होने के बाद भी ये मुझे लूज है, और मैं सोच रही थी कि इसको मैं रिप्लेस करके 32 मंगा लेती हूँ, एक्सचेंज कर लेती हूँ, पर फिर मुझे लगा कि बाई चांस 32 फिर से थोड़ा सा टाइट रहा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही बेल्ट लगा के इसका इंतजाम कर लूंगी। काफी अच्छा इसका मटेरियल है, मैं बताऊं तो आपको, केमिस्ट्री का है, 34 इसका साइज है, और इसका प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस है 689 रुपीज, इसमें मुझे मिल गया है। प्राइजेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, और अभी शायद रिसेंटली ये 900 रुपीज का मिल रहा है। ठीक है, तो ये है वो जीन्स, फ्लेयर जीन्स है जो आजकल चल रही है, उस हिसाब से काफी कंफर्टेबल जीन्स मैं बोल सकती हूँ। केमिस्ट्री की मैं पहली बार यूज कर रही हूँ तो ये काफी अच्छी है। सबसे अच्छी चीज इसका लुकिंग है, इसमें यहाँ पे सामने बटन दे रखे हैं, हालांकि इमरजेंसी में इन बटन को खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, पर यहाँ पे 4 बटन दे रखे हैं, 1 2 3 4, और 2 बटन खोल के हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी हो सकता है। दूसरी चीज, इसकी लुकिंग आप देखोगे ना तो सामने से इस तरह से हमें पॉकेट दे रखी है, जो काफी कन्वीनियंट सी मुझे लगी, क्योंकि मैंने अपने फोन को इस तरह से ऐसे डाल लिया, और मतलब अच्छा सा लग रहा था, थोड़ा मतलब अलग सी फीलिंग थी। ठीक है, बैक में जैसे पॉकेट होती है वैसे पॉकेट यहाँ पे दे रखी है, दो दोनों साइड्स में, और पर सामने की जो पॉकेट है वो मुझे काफी अच्छी लगी। तो लुकिंग वाइज ये बहुत अच्छा था, और पिक्चर में आप देख ही रहे हो मैं अच्छी लग रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है आपकी टोक्यो टॉकीज की, ये ड्रेस है, इसका साइज है L, इसका प्राइस है 419 रुपी, और ये बॉडीकॉन ड्रेस है। ये ड्रेस का जो मटेरियल है पॉलिएस्टर है, काफी हैवी सी ड्रेस है, मतलब काफी हैवी है, हालांकि छोटी सी है, नीज तक ये ड्रेस आती है, पर इसका जो मटेरियल है वो काफी अच्छा है, वो काफी सॉलिड है, इसलिए मुझे ये ड्रेस काफी पसंद है। हालांकि ये बॉडीकॉन होने की वजह से मेरे फिगर को थोड़ा सा मैच नहीं कर पाई है, मिसमैच हो गई है, पिक्चर को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैंने जस्ट डाल दी है पिक्चर की अच्छी लगेगी, मतलब एक पर्पस, एक दिखाने के लिए कि कैसे लगने वाली है इसको पहनने के बाद। इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सा पर्पल, क्यूट सा इसका कलर है, इस तरह से ये इसका शेप दे रखा है। मुझे सारी चीज इसके अंदर अच्छी लगी, ये बहुत अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, हर तरीके से अच्छी है ये, और इसका साइज जो है वो L है। ये हल्की सी मुझे टाइट लगी, पर एक्चुअली एक चीज बताऊं तो इस साइड से ना, वही साइड से ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इसका सिलाई का इश्यू है या क्या, क्योंकि ये शेप अच्छी सी नहीं दे रहा था, साइड से थोड़ा सा ऊपर नीचे से शेप जा रहा था, पता नहीं क्या। तो हालांकि ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी, और अगर आप लोग इसको बाय करते हैं ना तो सीरियसली ये बहुत सुंदर लगने वाली ड्रेस है। इसमें शायद कलर भी है, ब्लैक पिंक, शायद बेबी पिंक कलर है वो, पीच कलर है, तो काफी इसमें कलर आपको मिल जाएंगे। ये कलर बहुत प्यारा है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये कलर सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज, इस ड्रेस को लेकर मेरे माइंड में बहुत सारी क्रिएटिविटी है कि इसको मैं किस तरह से और यूज कर सकती हूँ, तो बहुत सारी आइडियाज है मेरे पास। ओके, ये तो बात रही ड्रेस के बारे में, अब मैं वूलन्स के बारे में बात कर लेती हूँ। तो रोस्टर ब्रांड की ये हुडी है, और इसका जो साइज है वो है आपका XL, और ये 650 के अराउंड का ये मिल गया है मुझे। इसके बारे में बात करूँ ना तो इतना कंफर्टेबल है ये, इतना कोजी है, इसको सिर्फ सिंगल पहन रखा है अभी मैंने, और अगर बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है जैसे दिसंबर लास्ट में और जनवरी फर्स्ट वीक में जो ठंड होती है ना, उसको भी ये बहुत आराम से झेल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। हालांकि ये थोड़ा सा अलग अलग है, ये हिस्सा जो थोड़ा सा फेडेड सा लगता है, बाकी वैसे ऑल ओवर से बोला जाऊं बोलूं तो ये बहुत ही अच्छा पड़ी। ओके, नेक्स्ट जो पुलोवर है स्वेटर, तो इस स्वेटर को आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देख ही लिया होगा, ये स्वेटर इतना अच्छा है ना, मतलब इतना तो ये प्यारा लगता है,
पिक्चर्स वगैरह में इतना कलरफुल ये निकल के आता है, दूसरा इतना कंफर्टेबल है, इतना कोजी है कि मन करता है इसे पहने रहूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो 550 के अराउंड ये मुझे ये स्वेटर मिला हुआ है, और रोस्टर इसका ब्रांड है और साइज है इसमें L। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि ये कुछ इस तरह से है कि बहुत ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो ठंड होती है, गुलाबी ठंड जैसे बोलते हैं, उसमें इसको हम कैरी कर सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा वाली जो ठंड होगी उसमें हम इसको नहीं पहन पाएंगे। ओके, लास्ट ये है मेरे पास क्रीम कलर का ये पुल ओवर, हाई नेक जिसे हम बोलते हैं। तो ये पुल ओवर है आपका 550 रुपी का, टोक्यो टॉकीज एक्सेल। एक्सेल होने के बाद भी ये थोड़ा सा मुझे टाइट है, पर एक्चुअली ये पुल ओवर थोड़े इन वाले होते हैं, इनके ऊपर हमें चीजें डालनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से ये सही है, बॉडी फिट है, तो हवा नहीं लगती, ठंड नहीं लगती है, बेसिकली बात ये है। काफी सॉफ्ट है और काफी अच्छा इसका मटेरियल है, मुझे काफी पसंद आया। तो ये था आज का मेरा वीडियो, ये सारे कपड़े, अब मुझे इनको तय करना है और इनको संभाल के रखना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो इस मिंत्रा हॉल के ऊपर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके अलावा मैं आपसे क्या कहूँ, बस मुझे बहुत सारा प्यार देती रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। ए स्टाइल वी लव यू ऑल।